Good morning, students. How are you? I hope that all are well. So, बच्चों मैं आपको एक आज अपने महाकाव्य रामायण से संबंधित कुछ बात बताने वाला हूँ. जैसा कि हम जानते हैं, रामायण एक पवित्र महाकाव्य है और उस महाकाव्य में राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन किया हुआ है. तो वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया जो पहला श्लोक है वो है महानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वत शमा यत् क्रौंच मिथुनादिकं वदि काममोहितम्. यानी इसका अर्थ हुआ कि रे व्याधे, तुम अधिक दिनों तक कृति यश को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्रौंच युगल में से एक को मार डाला है. कहानी यह है कि एक दिन वाल्मीकि जी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ तमसा नदी के किनारे चले जा रहे थे. अचानक उन्होंने देखा कि दो क्रौंच पक्षी आपस में प्रेमालाप कर रहे थे. तो वाल्मीकि जी ने भरद्वाज ऋषि से कहा, प्रिय शिष्य भरद्वाज, देख रहे हो, हम मानवों के जैसा क्रौंच युगल भी प्रेमालाप करते हैं. अचानक तभी एक बहेलिया का तीर आया और क्रौंच को लगा और क्रौंच पेड़ से नीचे आ गिरा और क्रौंची रुदन करने लगी. रुदन का मतलब होता है रोने लगी. फिर क्या था, तो उनके मुंह से यही पहला श्लोक निकला था जो विश्व का पहला श्लोक है, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वत शमा यत् क्रौंच मिथुनादिकं वदि काममोहितम्. यानी वाल्मीकि जी के मुंह से जो निकला हुआ श्लोक है उसका अर्थ है कि रे व्याधे, यानी रे शिकारी, तुम अधिक दिनों तक कृति यश को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्रौंच युगल में से एक को मार डाला है. और ऐसा श्राप देकर के वो तमसा नदी के किनारे चले गए और वहाँ स्नान ध्यान करके रामायण होने से पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.